अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो दाल की रेसिपी है और वो है खड़े मसूर की दाल। कुछ लोग इसे मलका मसूर भी कहते हैं। तो मैं बता देती हूँ कितनी क्वांटिटी में क्या चाहिए। 1 पाव मैंने खड़े मसूर की दाल ली। इसे मैंने धो के साफ़ करके अच्छी तरह भिगो दिया है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ही हल्दी है, 1 हरी मिर्च जिसे मैंने इस तरह काट लिया, और 5 से 6 इमली के चाहिए जिसे पल्प पल्प तो नहीं कहेंगे, इमली के साबुत इस तरह दाने जो होते हैं ये। 1 टीस्पून नमक है, 2 लहसुन के जवे जिसे इस तरह बारीक बारीक काट लिया, 5 साबुत गोल लाल मिर्चें, ये बघार का सामान है, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो ये दोनों चीज़ें बघार की हैं। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने पैन चूल्हे पर रखा एक पतीली, उसको गैस को ऑन किया, ये दाल इसमें डाली, और अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। ये तकरीबन 3 गिलास पानी जो मैं इसमें डाल दूँगी, ये सारा डाल दूँगी, क्योंकि हमें दाल को गलाना है तो पानी ज़रा सही डलेगा। और अगर ये अभी भी कम लग रहा है तो ये 3 गिलास पानी था और अब ये 14 गिलास, इतना पानी हमें चाहिए। और अब इसके अंदर ये मिर्चें और हल्दी, और लहसुन के जो 2 मैंने जब आपको दिखाए थे उसमें से आधे मैं डालूंगी, आधे बघार के लिए रखूंगी, और अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी और थोड़ी सी स्टीम बढ़ा दूंगी और इसे मैं कवर कर दूंगी जब तक इसमें बॉयल नहीं आता। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर हम चूल्हे की जो गैस उसको कम कर देंगे। तो चलिए, इसमें बॉयल आने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, देखते हैं जो मैंने दाल रखी थी उसमें बॉयल आ जाए तो किस कंडीशन पे। ये देखें आप, इसमें कितना अच्छा बॉयल आ गया। और अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला, और नमक अभी डालना भी नहीं है। जब हमारी दाल गल जाएगी उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। अगर दाल में अभी से नमक डाल दिया तो दाल गलेगी नहीं फिर, और इसको हम गलने के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटा। ये बहुत अच्छी तरह गल जाएगी तो फिर आधे घंटे बाद, और मीडियम टू लो फ्लेम मैंने इसकी कर दी है गैस की। देखते हैं जो दाल मैंने आधे घंटे के लिए रखी थी उसका पानी कितना खुश्क हुआ। ये देखिए आप, तकरीबन इसका पानी खुश्क हो गया, बस ये थोड़ा बहुत है इसमें। तो जो ये थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है आपको, इसको मैं घोटूंगी। इसे आपने देखा होगा बाज़ार में मिलती है, डोई कहते हैं इसे, ये लकड़ी की भी आती है और प्लास्टिक में भी। तो अब इसे मैं घोटूंगी बहुत अच्छी तरह, जब ये मैश हो जाएगी इसमें तो फिर इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी जितना मुझे दाल की थिकनेस रखनी है। ये देखिए आप, ये दाल काफ़ी हद तक मैश हो गई। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास या आधा गिलास देखूंगी, जितनी ज़रूरत है पानी की उतना पानी डालूंगी। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया और अब इसको मैं डाल रही हूँ उसके अंदर। आप देखिए बहुत गाढ़ी हो रही है ना, ये चमचे से भी इसको इस तरह कर दें, मेरे ख्याल से पूरा गिलास ही डाल दें। अब जब ये इस कंडीशन पर आ गई है, देखिए आप, ये बहुत अच्छी तरह घुट गई है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे अब इसके अंदर नमक, जो हमने पहले नहीं डाला था, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और जो हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी और इमली की ये बीज, ये भी आप डाल दें इस पर, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर दें। इससे दाल में बहुत अच्छी खट्टापन आएगा। अब थोड़ा सा इसको मैं 5 मिनट के लिए रखूँगी कि इमली और हरी मिर्चों का टेस्ट इसके अंदर आ जाए फ्लेवर, और 5 मिनट बाद मैं इसको बघार दे दूँगी। इनका टाइम गुजर गया, आप देखिए कि इसमें बहुत अच्छी तरह ये बॉयल भी आ गया है और इमली और हरी मिर्च का फ्लेवर भी इसमें आ गया है। और जब ये इस कंडीशन पर आ गया तो अब ये मैं उतार के
को ढककर हम उतार लेंगे। मैंने एक फ्राई पैन चूल्हे पर रख दिया और उसमें मैंने 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है, क्योंकि बघार के लिए आप ऑयल ज़रा सही लीजिएगा वरना दाल का मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा हीटअप हो जाता है तो मैं इसमें साबुत गोल लाल मिर्च डाल दूँगी, ज़ीरा और लहसुन की जगह। और ये ज़ीरा भी हमने डाल दिया। और अब ये जब बहुत अच्छी तरह इसमें बघार आ जाएगा, हो जाएगा ये सब चीज़ें फ्राई, तो फिर हम दाल में डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये लहसुन के जवे, साबुत गोल लाल मिर्च और ज़ीरा बहुत अच्छी तरह जो है फ्राई हो गया इसके अंदर। और अब मैं दाल का बघार कर देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैं अब बघार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ी सी दाल पतीली में से लेकर इसमें डाल के और इसे भी इस तरह कर, और फौरन इसको कवर करें ताकि इसकी खुशबू बघार की बाहर उड़े ना। तो चले मैं इसको आपको डिश में निकाल कर दिखाती हूँ डिश आउट करके। फ्रेंड्स, ये दाल मैंने डिश आउट कर दी है और ये कितनी अच्छी लग रही है। इसको आप चावल के साथ खाना चाहें, रोटी के साथ खाना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे बताइएगा फीडबैक दे करके ये आपको रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।